देश में लोकसभा चुनाव के बीच ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। इस मामले में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर ने ममता बनर्जी पर वैधानिक तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है, हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए गैर संवैधानिक तरीके से मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति करते हैं, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला ओबीसी समाज के लिए न्याय है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। सीधे सीधे आप मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, आप किन लोगों का अधिकार छीन के उनको दे रहे हैं, ये गलत है। मुस्लिम जातियां अगर सच में आरक्षण के दायरे में आनी चाहिए तो वो शामिल होना चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन गलत तरीके से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, अपीसमेंट की राजनीति के चलते आप दलित पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीन कर मुस्लिम वर्ग को देते हैं, तो ये गैर कानूनी है या असंवैधानिक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।